अब रुख करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं कैसे लड़कियां फार्मेसी के फील्ड को ऑप्ट कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। रिसेशन और मंदी की मार के बावजूद आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो दिनों दिन ग्रोथ कर रहे हैं। एक ऐसा ही सेक्टर है हेल्थ केयर और फार्मेसी, जहां केंद्र सरकार की भावी योजनाओं के तहत 15 से 20% की ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री के आगे बढ़ने के साथ ही साल 2015 तक 2 लाख फार्मा ग्रेजुएट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में अब फार्मेसी के डिफरेंट फील्ड्स में बने हुए इन अवसरों को देखते हुए बड़ी संख्या में लड़कियां भी फार्मेसी से जुड़े इन कोर्सेज को ऑप्ट कर रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फार्मेसी एक बहुत ही वर्सेटाइल फील्ड है। इसमें हम साइंस के हर ब्रांच को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग। और देखा जाए तो लोग इसे अभी तक नहीं पहचान पाए हैं इसका महत्व, लेकिन ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर मींस वी गेट अ क्वालिटी कंट्रोल, दे कैन गो इनटू रिसर्च which is the need of the hour. Because of this GATE and other things happening, there is a good scope for research. Usually ladkiyon ki life aisi hoti hai aage jaake ki wo apna pura waqt apne career pe nahi de sakti hai waqt. So lekin jab wo research ke field mein jati hain to wo apne part time mein bhi wo is field ko jaari rakh sakte hain. Every case by case studies are being done, that it forms a very big aspect, so we call as pharmacovigilance, which is a new field which is developing here. It is very well developed abroad, where very consciously all the interactions of the drug, everything are very meticulously recorded. That's again another aspect of research in pharmacy. जानकारों का मानना है कि लड़कियां अपनी खास क्वालिटीज के चलते फार्मेसी के फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। साथ ही कोर्सेज के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के जरिए इन युवाओं को मिलता है आगे बढ़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी। दे आर सपोज्ड टू हैव अबाउट 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज आफ्टर दे फिनिश देयर 4 इयर्स कोर्स। ऑफ कोर्स इवन आफ्टर दे फिनिश द 3rd ईयर दे कैन ऑप्ट फॉर इट, वेयर द स्टूडेंट इज एक्सपोज्ड टू द मैन, ही गोस एज अप्रेंटिस इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देयर अगेन द basic aspect of production quality control is all managed by pharmacist. There will be a qualified pharmacist who is the authority on all these. So the industrial aspect and the large scale aspects are very well exposed to the students. हम लोगों के लिए campus interviews conduct किए जाते हैं, जिससे हमें exposure मिलती है अलग अलग industrial fields के लिए, not only industry, अलग further studies के लिए अलग जो भी field है वो हमें ऑफर किया जाता है। फिलहाल अगर फार्मेसी से जुड़े इन क्षेत्रों में आपका भी रुझान है तो अपने बिजनेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और रिसर्च जैसी अपार संभावनाएं रखने वाले इस फील्ड को ऑप्ट करके आप भी फार्मेसी में पा सकते हैं एक बेहतर करियर।